किया है आपने? बैलेट इसमें ये था, हम गाड़ी में बैठे थे, इसमें FIR में हमारा नाम नहीं है, गाड़ी में बैठे थे, सडनली सामने से कंप्लेनेंट साहब की गाड़ी आई और हमारी गाड़ी सामने लगी थी, हटाने के लिए उनने कहा, हमारे पीछे डंपर लगा हुआ था, अच्छा, ये बाय वाला केस बाय भी है। गाड़ी नहीं हटा पाए, उस दौरान हमारे खिलाफ FIR। ये आपसे तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा इस केस में, व्हाई शुड बी ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल? बैलेट इसमें यह है, बैलेट इसमें FIR देख ले, बैलेट इसके FIR में हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसमें जो चालक है गाड़ी चला रहा था उससे थोड़ा सा हार्ट टॉक हुआ, ये FIR, पढ़ी है, FIR पढ़ी मैं बैलेट FIR पढ़ देता हूँ। उसमें उपरोक्त निसर्गत लेख है कि मैं प्रातः 10 बजे अपने आवास से निकलकर सिविल न्यायालय व्यवहारी अपने कार से जा रही थी, यह कि व्यवहारी में स्थित टंकी तिराहे से पेट्रोल पंप के मध्य मैसी ट्रैक्टर एजेंसी के सामने सीमेंट ट्रंकीट रोड निर्माणाधीन सड़क पर जाते समय सामने से आ रही सफारी कार क्रमांक MP18GA7777 के चालक द्वारा गाड़ी सामने लगा दी गई एवं मेरी गाड़ी के पास आकर मेरी गाड़ी का गेट खोलकर मुझसे कहा कि तू बहुत बड़ी कंप्लेंट नाम है, गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे धमकाते हुए उतरने को कहा एवं बोला कि गाड़ी पीछे करना वरना सबक सिखा दूंगा। मेरे द्वारा उससे यह कहे जाने पर कि मैं अपने साइड पर हूं, तुम गाड़ी अपनी साइड से निकालो, इस पर वह और क्रोधित हो गया। कार में बैठी 2 महिलाओं में से एक महिला ने नीचे उतरकर मुझे कहा कि कितनी बड़ी है, तुझे जिंदा चिनवा दूंगी, पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई है। मैं अत्यधिक भयभीत हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं, इस कारण मैंने पुलिस थाना व्यवहारी को सूचित किया कि मेरे साथ अभद्रता हो रही है, कृपया मदद करें। मेरे द्वारा थाना प्रभारी व्यवहारी को सूचित करने के पश्चात ही कार चालक द्वारा मोबाइल पर किसी से बात की गई तो शक्तिपुत्र आश्रम जो ग्राम मऊ तहसील व्यवहारी में घटना स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, से कई लोग 3-4 गाड़ी में बैठ कर आए, मुझे अभद्रता करने लगे, यह कि थाना प्रभारी व्यवहारी को सूचित करने पर एक सहायक उप निरीक्षक और 2 आरक्षक मौके पर आए जिन्होंने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करने का कराने का प्रयास किया। तभी मौके पर श्री कमलेश साहू मजिस्ट्रेट सीनियर डिवीजन श्री निशार अहमद अपने वाहन से वहां पहुंच गए, उनके द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर मामला शांत हुआ, मैं वाहन लेकर अपने कार्यालय पहुंची। घटना के समय श्री भरत रजक मुकेश गुप्ता श्री पुष्पेन यस चौहान स्टेट, और फोटोग्राफी फाइल की हमारे पीछे डंपर अड़ा था हमारी जिस गाड़ी में दे आर नोइंग एवरीथिंग अबाउट दैट लॉर्ड हमारे खिलाफ स्पष्ट कह रहा है कि बहुत बड़ी न्यायाधीश बनती है, तो मैं चुनवा दूंगी, देख लूंगी। और उसके बाद जब वो न्यायालय पहुंची तो उनके मोबाइल पे कॉल भी आया और धमकी भी उसको किसी और दिया है। क्या है, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस तो कहां पर एक्ट है, अपनी एप्लीकेंट इज वेरी सीरियस नेचर, ब्रो। ही इज नोइंग एवरीथिंग, ही इट हैज इज टू जज, इयर्स ओनली। जानते हुए कि वो जज है और उसके खिलाफ ट्रीट किया गया हम लोग, ये बात अलग होती है अगर वो ना जानते होते कि मजिस्ट्रेट है। जान रहे कि तुम बड़े न्यायाधीश बनते हो, न्यायाधीश बन रही हो, देखेंगे, देख लेंगे। एलिगेशन है हमारा, ये फोटोग्राफ देख लें, फाइल फोटोग्राफ मेरा, उसमें गाड़ी केवल सडनली ड्राइवर से थोड़ी सी बात हुई है, इसमें आप एनेक्टर कौन है? हम इसमें पीछे बैठे महिला हमारा, नहीं तो आप हैं कौन? हम वहाँ डॉक्टर के यहाँ इलाज करने जा रहे थे, हम भी व्यवहारी में रहते हैं, सेवादार आश्रम में सेवादार, हमारा नाम तुमने नहीं ग्राउंड ले लिया कि वो कभी मजिस्ट्रेट साहब ने बोला हुआ किसी लोग को वहां दर्शन कराने के लिए, तुमने दर्शन नहीं कराए ड्यू टू देयर प्रेजेंट, फॉल्सली इम्प्लिकेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन। इसमें फोटोग्राफ देख लो हमारा, मजिस्ट्रेट साहब इसमें खुद ही सामने खड़े हुए हैं और जो गाड़ी है डंपर जो है हमारी गाड़ी के पीछे लगा है, आपने फाइल किए फोटोग्राफ? पायलट फाइल किया इसमें, एनेक्जर A4 देख लो, A4 उसमें फोटोग्राफ्स की, ये उनकी साहब की गाड़ी खड़ी हुई है उसके सामने हमारी गाड़ी, वहां रोड बन रही थी पीछे डंपर लग गया है, इस कारण ड्राइवर ने गाड़ी पीछे नहीं कर पाया। जस्ट अ मिनट, स्पष्ट है सर फोटोग्राफ कि मैडम ने ये कहा कि गाड़ी आप आगे निकाल लो साइड से, पर्याप्त जगह थी, दिन स्पष्ट दिख रहा पेज है। नंबर वाले 27 एंड सफारी ट्वेंटी पीछे है सर, सफारी के सिक्स पीछे डंपर है, जी गाड़ी पीछे करने का एलिगेशन नहीं, गाड़ी साइड से निकालने का एलिगेशन, आप साइड से निकाल सकते हैं, पर्याप्त जगह ये है। तो देख ले मैनेट, इसमें मैडम तो खड़ी हुई है ऑलरेडी यहाँ पर कि किसी तरह की कोई अभद्रता हो रही है, और फोटोग्राफ जो फाइल किए हैं उसमें देखे मैनेट, जो हमारी कंप्लेनेंट जो एक्यूज जिसको बनाया उसकी गाड़ी है वो टेम्पर उसके पीछे लगा हुआ, इस कारण गाड़ी पीछे नहीं हो पाई, बस टोटल इतना है। और जो भी बात हुई है इसमें ड्राइवर से बात हुई, हमारी तो कोई बात ही नहीं, ना हमारा FIR में नाम आया। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। जो फोटो का फाइल वाई थी पिटीशन, उसमें स्पष्ट दिख रहा है सर कि जो मैडम की जो कंप्लेनेंट की गाड़ी खड़ी हुई है वो साइड में खड़ी है, एलिगेशन है कि सामने से आ रहे थे, तो मैडम ने बोला कि आप
साइड से निकाल लीजिए, पीछे डंपर लगा हुआ हमारा, तो आगे निकाले, पीछे करने की बात ही नहीं, गाड़ी पीछे ही तो गाड़ी गाड़ी आगे बाजू से निकालने की बात है कि आप साइड से निकाल लीजिए आगे। कोई किसी तरह का कोई इंटेंशन तो था नहीं, सडनली ड्राइवर से थोड़ी बहुत, उसने माफी भी मांगी, दे आर नोइंग एवरीथिंग अलाउड, सो यस उसने माफी भी मांगी। ये मेरठ वहाँ बड़ा आश्रम है पुराना, कोई शक्तिपीठ आश्रम है वहाँ, सेवादार बहुत पुराना है, 50 साल पुराना आश्रम है। तो आपको तो वैसे ही बड़ा विनम्र होना चाहिए, पायलट विनम्र, हमारा तो इसमें आप तो वैसे ही आश्रम वाले हैं, पायलट रोल ही नहीं हमारा, हमारी तो कोई बात ही नहीं इसमें, जो एप्लीकेंट है लेडी उसका तो कहीं कोई रोल ही नहीं है पायलट, तो गाड़ी में बैठे, ये एलिगेशन है, नाम से एलिगेशन है सर। एक महिला उतर के बोली तू बड़ी न्यायाधीश बनती है, तेरे को चुनवा दूंगी, काइंडली सी FIR और आप पब्लिक में थ्रेटन कर रहे हो ओपनली। मेरठ वहां तो हमारी बात ही नहीं हुई है, एलिगेशन है मेरठ, बात बात ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है, एलिगेशन ही कोर्ट देखेगा ना, फोटोग्राफ्स देख रहे हैं फोटोग्राफ्स, और इसमें जो ऑनरेबल जज साहब है वो खड़े हुए हैं, दूर खड़े हुए हैं, तीन तीन लोग वहां थे, पुलिस की प्रेजेंस थी मेरठ। No judge wants to come in unnecessary controversy. But कोई जज क्यों कंट्रोवर्सी इनवाइट करना चाहेगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, वो सब लोग बचना चाहते हैं किसी कंट्रोवर्सी से, पुलिस रिपोर्ट से, पायलट आम पब्लिक भी बचना, वो तो आपने कुछ किया होगा जब तो है, कुछ नहीं किया, ड्राइवर से थोड़ी सी बात हुई है, आप एकदम शेर बने हुए हैं इसमें, P8 की हम गाड़ी नहीं हटाएंगे, नहीं पायलट उसका करना कर लो, उसमें पर्टिकुलर ये हुआ पायलट, और हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे, नो पायलट ये वर्ड कोई यूज नहीं है वहाँ, कंप्लेनेंट जो आए आपके, आपकी बात कौन मान रहा है कि वर्ड यूज नहीं हुई, पायलट इसमें P8 आपकी बात कौन मानेगा, P8 भी देख ले, आपका क्या स्टेटस है, हम वहाँ सेवादार हैं, हम क्यों मानेंगे कि कोर्ट का एक जज झूठ बोलेगा आपके अगेंस्ट में, बट पायलट क्यों, व्हाई अ जज विल स्पीक अ लाई अगेंस्ट यू, क्यों वो कंप्लेंट करेगा अननेसेसरली, वो जो महिला थी पायलट वो महिला में हम तो नहीं थे पायलट, उस नाम भी बाद में आया है, जब हमने यहाँ आप गाड़ी लेके नहीं जा रहे थे, गाड़ी आपको लेके जा रही थी, आप पीछे बैठे थे, आपकी अथॉरिटी है, ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, एलिगेशन है माय लॉर्ड, ये एप्लीकेंट है स्माइल फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, पुलिस स्टेशन सो एंड सो हैज रजिस्टर्ड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन सो एंड सो अगेंस्ट एप्लीकेंट, पायलट इसमें अर्नेस कुमार का बेनिफिट दे रहे पायलट, उसमें हमारे खिलाफ 353 का ऑफेंस बनता नहीं पायलट, हमारे खिलाफ केवल एलिगेशन अगर है भी जो, तो 506 का एलिगेशन उसमें है थ्रेटनिंग का, बाकी हमने ये उनके ड्यूटी के दौरान तो कोई हमारे एलिगेशन नहीं, FIR देख लेना, यस ड्यूटी में जा रहे थे सर, ये तो है नहीं हमारे खिलाफ, इट इज पनिशेबल विद 2 years, कमिटेड ऑफेंस, सीरियस नेचर, सीरियस नेचर, लॉर्ड सर नो स्पेशल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, नो नो वाला स्पेशल ट्रीटमेंट वाला नहीं, बट सुरेश कुमार सबसे लग रहा है, इसमें भी लगेगा अगर 2-7 साल से कम है तो, प्रेजेंट एप्लीकेशन नोइंग कि यार दिस इज ऑनरेबल जस्टिस मजिस्ट्रेट गाड़ी जा रही है, उनसे बोल रहे तो चुनवा देंगे, दिस इज सीरियस नेचर ऑफेंस, अर्नेश कुमार बट ऑफेंस विल बी 353 ऑल्सो, उतना ही बनेगा ना, उससे ज्यादा तो बनेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, और इन्होंने कुछ ऐसा किया तो है नहीं, करने का प्रयास कर रहे थे सब, ADJ साहब पहुंचे, 2 जज और पहुंचे, जब जाके उन्होंने समझाइश दी सर स्पॉट पे, एक ADJ साहब पहुंचे और एक और मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे और बाकी पुलिस वाले मुझे समझाइश दी, उन्होंने 3-4 लोगों को बुला लिया गाड़ियों पे, स्पेशल एलिगेशन है सर, फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 पुलिस स्टेशन सो एंड सो हैज रजिस्टर्ड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन सो एंड सो, काउंसिल फॉर एप्लीकेंट सबमिटेड दैट एप्लीकेंट इज इनोसेंट एंड पॉसिबली बीन इम्प्लिकेटेड इन द केस फुल स्टॉप, एप्लीकेंट वाज ओनली पायलट राइडर इन द कार फुल स्टॉप, व्हीकल ऑफ कंप्लेनेंट वाज पासिंग बाय फुल स्टॉप, देयर road was under maintenance and there was also traffic over the road, therefore applicant has requested to give side so that his vehicle may pass through the road full stop, it is not the case that applicant had wrongfully restrained judicial magistrate from going to the court full stop, it is also submitted that false complaint has been made against the applicant, photographs has also been filed to show that car of applicant, that there was dumper behind the car of applicant, therefore his vehicle could not be reversed, offense is travel in nature, in these circumstances applicant may be released on anticipatory bail, government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail, it is submitted that in public view open threat was given to a judicial magistrate that she will be buried in the wall full stop, she was told by driver to
टू बैक हर कार एंड कार ऑफ एप्लीकेंट वॉज कार ऑफ एप्लीकेंट ब्लॉक द वे ऑफ मजिस्ट्रेट्स व्हीकल फुल स्टॉप इट इज सबमिटेड दैट ऑफेंस कमिटेड बाई एप्लीकेंट इज सीरियस इन नेचर एंड ओपन थ्रेट हैज बीन गिवन टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विच इज टू बी व्यूड सीरियसली It cannot be said that judicial magistrate will lodge a false complaint against any person or false complaint against any person. Full stop. Applicant is unable to show that there was any previous enmity or motive for lodging false complaint by the magistrate / civil judge. Full stop. Considering aforesaid circumstances, inka record hai? Nahin, sir. Considering aforesaid circumstances, application is dismissed.